हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसोर। आज के वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है फ्रेंड्स, जैसे कि अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड लिंक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फेस हो रही है फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम का यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, यही चीज आज के वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो रिएक्ट नेटिव के अपडेट के अंदर उन लोगों ने यहाँ पे लिंक का जो कमांड था फ्रेंड्स, वो यहाँ पे उन लोगों ने निकाल दिया है। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे सिंपली इंटरनेट के ऊपर जाएंगे और ये देखो यहाँ पे जो भी अपडेट आया है रिएक्ट नेटिव का, ये देखो यहाँ पे जो 0.69 वर्जन है उसके बाद का यहाँ पे जो भी अपडेट आया है फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लिंक एंड अनलिंक कमांड जो थे उनको यहाँ पे इन लोगों ने रिमूव कर लिया है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी फ्रेंड्स। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे एक ही चीज़ के सामने प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, जैसे कि npm js के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रिएक्ट डैश नेटिव डैश आइकन्स। ओके, ये देखो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, सिंपली इस पैकेज को करना है ओपन। और आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इसी के पैकेज के अंदर यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे इस पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है, इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस पैकेज का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कुछ इस प्रकार से करना है, जैसे कि यहाँ पे सिंपली पैकेज का नाम यहाँ पे करूँगा कॉपी, और आप यहाँ पे डायरेक्टली पूरा कमांड भी कॉपी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे यान के जरिए यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, यान स्पेस एड स्पेस, सिंपली यहाँ पे करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। तो इतना करते ही क्या होगा, सिंपली ये क्या करेगा, पैकेज को यहाँ पे डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेगा। चले तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए कुछ इस प्रकार से हमें यूज करना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको यहाँ पे इस वाले पैकेज को रन करना है तो सिंपली इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इस वाले स्क्रिप्ट को ऐड नहीं करते हो तो क्या होता है, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं एक बार। npx react dash native space run dash android, चलिए अब सिंपली करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये रन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे क्लोज। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे और app.js के अंदर यहाँ पे आइकन को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा import। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा import curly bracket from रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम आइकन को। तो ये देखो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम 5 सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट ऑसम 5 आइकन। चलिए अब यहाँ पे ऐप जो लिखा है उसके नीचे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं आइकन को। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है फॉन्ट ऑसम आइकन स्पेस नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं होम, और यहाँ पे इसकी साइज लिख देते हैं साइज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 50। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपका आइकन आ चुका है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे होम का आइकन ऐसा नहीं आता है, तो ये एक्चुअली ये एरर है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो ये देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स, उसके अंदर हमने यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी ये इंस्टॉल की है उसे हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। लिंक होगा तभी तो यहाँ पे आपका आइकन दिखेगा। तो यहाँ पे लिंक का कमेंट तो इन लोगों ने डिलीट कर दिया है, तो फिर आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे जाते हैं और ये देखो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे एंड्रॉइड का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ऐप नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ये build.gradle नाम की एक फाइल होगी, उसे ओपन कर लेना है एक बार। जैसे कि ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉइड का एक फोल्डर है, इसके अंदर ऐप का एक फोल्डर है, ऐप के अंदर यहाँ पे build.gradle नाम की एक फाइल मिलेगी आपको, सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जाना है और ये देखो यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी इस वाली लाइन के अंदर, तो इस वाली लाइन को सिंपली आपको कर देना है कॉपी, और इस वाली फाइल के अंदर ये देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे सेकंड या तो फिर थर्ड लाइन के ऊपर आपको सिंपली कर लेना है पेस्ट। ये देखो सिंपली आपको यहाँ पे इतनी चीज ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई फ्रॉम, और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का जो पैकेज है उसका यहाँ पे पाथ है, और यहाँ पे इसकी एक ग्रेडल स्क्रिप्ट है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है इस वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे ध्यान से देखना, एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर ऐप नाम का एक फोल्डर है, उसी के अंदर यहाँ पे build.gradle नाम की एक फाइल है, सिंपली इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। बस सिंपली इतना करते ही आपको क्या करना है, इसे करना है मिनिमाइज, और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसे यहाँ पे बैकग्राउंड में से निकाल देते हैं। चलिए अब वापस यहाँ पे ऐप को स्टार्ट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे npx react native space
रन डैश एंड्रॉइड, सिंपली ये स्क्रिप्ट लिखो और कर दो एंटर, वापस यहाँ पे हमारी ऐप रन हो जाएगी। लेकिन इस बार यहाँ पे ये लाइन हमने ऐड की है, तो इसके साथ यहाँ पे फॉन्ट के अंदर जो भी स्क्रिप्ट होगी वो भी यहाँ पे रन होगी और यहाँ पे जो भी आइकन है वो यहाँ पे लिंक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सिंपली आपको इतनी चीज करनी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो यहाँ पे ये आइकन आ चुका है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले यही कोड लिखा था और अभी भी यहाँ पे ऐसा का वैसा कोड है, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। फिर भी यहाँ पे जैसे हमने रन किया तो यहाँ पे आपका एक आइकन दिख रहा है। तो सिंपली ये जो वेक्टर आइकन वाली आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे सिंपली एक ही सॉल्यूशन है। इस वाली लाइन को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है और ये हो जाएगा सॉल्व। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको दूसरी कोई पैकेज में यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो उसी पैकेज के अंदर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है फ्रेंड्स कि इस वाली फाइल को यहाँ पे कैसे लिंक करना है। ओके, तो सिंपली आपको डॉक्यूमेंटेशन एकदम ध्यान से देखना है और उसे यहाँ पे फॉलो करते जाना है और ये हो जाएगा सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपकी यहाँ पे एरर भी सॉल्व हो चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।